नमस्कार, मैं अनिल खटक। हमारा YouTube चैनल पारस ट्रक्स में आपका स्वागत है। आपको ऐसी चेसी के साथ मैं लेके जा रहा हूँ जो रोडवेज में, प्राइवेट बसों में बहुत ही सुपर बना है। और अशोक लेलैंड जो कंपनी है वो ऑल इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की लगा लो, चाहे ऑल इंडिया का लगा लो, दूसरे नंबर पर स्थान पर है। आपको ऐसी चेसी पर लेके जा रहा हूँ जो चेसी का नाम है वाइकिंग 2011, जो पहले BS4 में आती थी, वो आती थी 16/11 के नाम से, और अब जो चेसी आती है वो आती है 2011 के नाम से। जो आपकी अभी चेसी रहेगी जो 2011 मॉडल BS6 के अंदर, जिसको आप बोलते हैं वाइकिंग, उसको आपको दिखाना जा रहा हूँ। आप गाड़ी देखो एक बार, ये अपनी वाइकिंग 2011 चेसी है, 2011। ये इसमें 2010 भी आती है और 2011 भी आती है। BS6 में 6 सिलेंडर गाड़ी जो आज के टाइम पर रोडवेज में जो चलती है बसें, उसकी अब मैं आपके यहाँ बात कर रहा हूँ। 2011 चेसी वाइकिंग BS6, इसमें बहुत काफ़ी डिफरेंस कर दिया। जो पहले BS4 आती थी, अभी BS6 में जो चेंज कर दिया, वो सिलेंसर की चेंज कर दिया है। सिलेंसर देखो, पहले सिलेंसर कर दिया था वो कर दिया। टायर इसके अंदर आपने दे दिए, इसमें 1020 के टायर अपोलो के। ये कोई गारंटी नहीं है भाई, आप अपोलो के टायर आएंगे इसमें, MRF भी आ सकते हैं, अपोलो के भी आ सकते हैं, JK भी आ सकते हैं, अलग अलग कंपनी के टायर कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका ये फील्ड AdBlue वाला। जो पहले BS4 गाड़ियाँ होती थी उसमें AdBlue नहीं आता था, अब इसमें AdBlue का फंक्शन भी आपको दे दिया कि 24 लीटर की AdBlue है। 24 लीटर वाला ये टैंक है, डीजल टैंक आ जाता है 240 लीटर का। इसके अंदर 240 लीटर का ये डीजल टैंक आ जाता है। चेसी की अगर लंबाई की बात करें अपन, तो इसकी 35 फीट की लंबाई चेसी है, 35 फीट इसकी चेसी लंबाई रहेगी। इसमें आप 52 सीटर भी बनवा सकते हो, लास्ट तक आप 56 सीटर इसमें बनवा सकते हो। 52 सीटर बनवाते हो तो इसमें आपकी 52 सीटर बन जाएगी और पीछे आपकी गाड़ी की डिग्गी बन जाएगी, और 56 सीटर बनवाते हो तो इसमें आपकी वो बन जाएगी, इसमें डिग्गी नहीं बनेगी लेकिन 56 सीटर आपकी 3x2 में आपकी वो बन जाएगी। पहले क्या कहते थे, इंडिकेटर जो आते पिछले वाली लाइट जो आती थी वो लाइट बल्ब के हिसाब से आती थी, अब LED लाइट है वो लगवा दी इसके अंदर, LED लाइट लगा दी है। इधर से ज़रा वो दिक्कत है, आप इधर से आओ। 4 सिलेंडर गाड़ी आती थी पहले, पहले आती थी 160 हॉर्सपावर में ये 6 सिलेंडर में, अभी जो आ गई है वो आ गई है 147 हॉर्सपावर में 6 सिलेंडर गाड़ी। आगे आपको फ्रंट दिखाते हैं, इसको फ्रंट देखो आप एक बार, ये गाड़ी का फ्रंट रहेगा का। आप चाहे इस पर 52 या 56 जैसी बना सकते हो। थोड़ी गाड़ी अंदर यार्ड में खड़ी है तो इसलिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आगे से दिखाया नहीं जाएगा। आप आगे दिखाओ एक बार, वहाँ तक आगे लेके जाओ इसको, गाड़ी का पूरा रफ एंड टफ गाड़ियाँ आज के टाइम पे सबसे सुपर फास्ट गाड़ी जो बिकने वाली है वो वाइकिंग 2011। इसमें मॉडल काफ़ी आते हैं, 2010 भी आता है, 2011 भी आते हैं, 4 सिलेंडर में भी आते हैं। वो LT1509 में आता है, LS1509 में आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। आज के टाइम पे बहुत सुपर फास्ट गाड़ी जो बिकने वाली है वो वाइकिंग 2011 है। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको जो वीडियो बना के दिखाई है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में लिखकर ये जरूर बताएं भी आपको चेसी कैसी लगी है। आप कमेंट में ये भी लिख के बताइए, आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और नंबर डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, और उस पर मेल भी कर सकते हो। आप उसमें SMS करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।